सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर गौरवजीत। इस वीडियो दे विच अपना विषय है पूसा 44, जिसनों कि पंजाब सरकार वालों बैन करने की तजवीज़ अगले साल तो रखी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों ट्विटर राही ते एक बयान राही पिछे जिहड़ा बड़ा चर्चा का विषय बनया, इन्हां किस्मां नूं पूसा 44 ते पीली पूसा ते होर लंबियां किस्मां ते अगले साल तो रोक लाउण दी संकेत जिहड़े हैगे उह दित्ते जा चुके ने। तां हुण इस वीडियो च आपां पूसा 44 का विश्लेषण एक आम किसान दे पक्ष तो, खोज दे पक्ष तो, ठेके वालियां दे पक्ष तो, शैलर मालकां दे पक्ष तो, इन्हां नूं ध्यान दे विच रखदे हुए करांगे। तां पहला खोज का पक्ष जिस दे विच स्टिकी राइस यानी कि वह किस्म जिस नूं पंजाब दे लोक छड्डणा नहीं चाहुंदे, जोशी खान ते किशोर दी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब दे विच जिन्ने रकबे दे विच झूना लाया जाता तो उस दे विच्चों 50% केवल पूसा 44 लाया जाता है। तो आओ जिले ने जिन्हां दे विच पूसा 44 झूना लाया जाता, जिहदे विच जिहड़े गूढ़े हरे रंग वाले ने, जिहदे च संगरूर, मलेरकोटला, बरनाला, मोगा, इन्हां विच करीब 70% तो उपर झूना ही लाया जाता है। 40 तो 70% दे विच मुकसर, जलंधर, लुधियाना इन्हां च लाया जाता है। इस तों इलावा फतेहगढ़ साहब, फरीदकोट, फिरोजपुर, तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर जिलों के भी पूसा 44 झोना लाया जाता। इस तरह मोगा, बरनाला, संगरूर के 64% तो उपर किसान पूसा 44 लाते हैं। मुकसर, फरीदकोट, लुधियाना 27 तो 64%, अमृतसर, जलंधर, फतेहगढ़ साहब 5 तो 27% झोना लाते हैं पूसा 44। इस तो अलावा फिरोजपुर, फाजिलका, तरन तारण, गुरदासपुर इतने भी 7% के नेड़े किसान पूसा 44 लाते हैं। तो इतों यह सिद्ध होंदा है कि अजोके पंजाब लगभग 14 जिलों के पूसा 44 झोने की काश्त की जाती है, वह भी बड़े वड्डे पद्धर के उत्ते। हुण इस दे कुछ हैरान करन वाले तत्थ इस खोज के सामने आए हैं। भाई जिहड़े जिलों के पूसा 44 झोना लगता है जां जिथे 60% तो उत्ते पूसा 44 झोना जिले के लाया जाता है, तो उन्हां दी औसत वाटर टेबल है जिहड़ा जां पानी की डूंघाई है वह 101 फुट तो उत्ते जा चुके हैं। दूसरे जिलों के जिथे पूसा 44 झोना नहीं लाया जाता जां बहुत घट लाया जाता है उत्थे पानी का पद्धर उन्ना नहीं डिग्गिया, 62.36 फुट औसत उत्ते पानी का पद्धर देखा गया। इस दे नाल ही बिजली की खपत ते मोटरां दी हार्स पावर के रूप के जे आपां देखते हैं तो जिथे पूसा 44 झोना लाया जाता है तो उत्थे प्रति हैक्टेयर 5.27 हार्स पावर मोटर चल रही है, जदों के जिथे पूसा 44 नहीं लाया जाता उत्थे प्रति हैक्टेयर 3.27 हार्स पावर मोटर चल रही है। जिस तो यह भी अंदाजा लाया जा सकता है कि पानी की खपत के नाल नाल बिजली की खपत भी है जी पूसा 44 वाले जिले के काफ़ी ज़्यादा है। अगे ये एक होर खुलासा करते हैं कि जिथे पूसा 44 लगती है उत्थे पेस्ट्स ते डिजीजेस यानी कि बीमारियां जिहड़ियां हैगियां झोने दियां ज़्यादा आउंदियां ने, इहनू खाण वाले कीड़े मकौड़े वध आउंदे ने ते स्प्रेहां ते खर्चा वध हुंदा। अगला बिंदू इन्हां ने जिहड़ा डिस्कस किया वह आ जाती है झाड़ की गल, जिहदे विच पूसा 44 लाउण वाले सारे किसान जिहड़े हैगे वह भी इहदे नाल सहमत हुंदे ने। भई इहदा जिहड़ा औसत झाड़ है वह दूजियां वरायटियां नालों किते ज़्यादा है, जिहदे विच 31.22 क्विंटल प्रति एकड़ झाड़ है जिहड़ा वह औसत झाड़ के रूप में मनिया गया, पिछले 5 साल की यह भी एवरेज है। तो दूसरिया किस्मां ने जिहड़ियां वह इस तो 3 तो 4 क्विंटल घट देखिया गई। तो हुण आपां कुछ टेबल ने उन्हां दी डिस्कशन करते हैं। आ पूसा 44 वरायटी है जिहड़ी यह 1994 दे विच आई सी ते इन्ना लम्मा समा इस वरायटी ने राज करिया, 2023 आ चुकिया ते अगले साल यह वरायटी 30 साल की हो जानी है। तो अगे औसत जिहड़ी गल आपां पहलां कर चुके हैं बई जिहड़ा पानी डूंघा है वह पूसा 44 वाले 101 फुट ये औसत चला गया, तो दूसरिया वरायटियां वाले खेतरां दे विच 62 है। 81% पूसा 44 में बीमारियां जां कीड़े मकौड़े लगने के चांसिज़ होंदे ने जिहड़ियां दूजिया वरायटियां के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अगे दूसरिया दो वरायटियां नाल इन्हें कंपेयर किया, पूसा 44 दा 31.22 है, PR 114 का 28.35 ते PR 121 का 27.46 क्विंटल प्रति एकड़ झाड़ जिहड़ा इन्होंने दस्सिया। ये खोज एक होर खुलासा भी करती है बई पूसा 44 लाउण तो बाद कणक का झाड़ की निकलता है। पूसा 44 वढ़ण तो बाद कणक का झाड़ 24 क्विंटल 41 किलो प्रति एकड़, तो दूसरिया वरायटियां या होर जिन्हिया भी किस्म है उन्हों का
झाड़ इस तो ज़्यादा आता वो लगभग 25 क्विंटल 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब न दर्ज किया गया। तो इतों ये भी पता लगता भी जी पूसा 44 है उस तो बाद जो असी कणक उस जगह पर बीजते हैं तो दूसरिया किस्म पूसा 44 वाले वाहन के 70 किलो के लगभग प्रति एकड़ कणक है जी घट निकलती है पर असी कणक के झाड़ से उन्ना कंसनट्रेट नहीं करते साढ़े झोने का झाड़ ही सब तो महत्वपूर्ण होंगे तो उ दसदा बई असी ठेका जोड़ा है जिन्हें ठेके की जमीन ली है वह किमें मुड़ूगा कि मुड़ूगा तो उस तो बाद बचूगा कि हूँ गल करते हैं आम धारणा की आम लोगों की तो पहला ये विश्लेषण के पॉजिटिवस ने जाने कि ये की फायदे ने तो सब तो पहला जरा झाड़ खोजा अनुसार 2 to 3 तो कई खोजा ने 5 to 6 क्विंटल दूजिया किस्म ज्यादा दसिया दूसरे नंबर के उपर ठेके लैन वाले जोड़े लोग ने जमीन उन्होंने ये मुनाफे का साधन है ठेके के रेट वधाउण दे विच भी ये बहुत बड़ा हथ है तो जोड़े लोग ठेके दे दिंदे ने भी इस दे नाल प्रभावित होणगे ते हुंदे रहे ने ते शैलर मालकां दा कहना है भी जिहड़ी पूसा 44 है उहदा दाणा सब तो घट टुटदा है तो इस करके ये उन्हां लई भी मुनाफे का सौदा है तो आम किसान की व्यापारक सोच भी यही कहती है भी जदों बिजली पानी मुक्त है फिर वह वरायटी मैं क्यों लावा जिदे नाल मेरी फसल घट निकलती है तो ये भी आता भी किसान यही सोचता भी वह आपका नुकसान क्यों करे भावें कि उसनों 2-3 हज़ार के कीटनाशक पूसा 44 के उत्ते ज़्यादा छिड़कने पै जाण ये नैगेटिवस जो नुकसान दे पहलू वो जोड़े है लंबी वरायटी है 150 वध दिन लेंदी है बीमारी वध पैंदी है पानी की वध लोड़ है पराली वध निकलती है ये 7 to 8 टन पराली जी निकलती है दूजिया फसलों की पराली जी 5 to 6 टन निकलती है प्रति एकड़ तो इस तरह वो सामभ संभाल भी औखी है पराली की तो इस ही इस उपर कीटनाशक की वरतों भी ज़्यादा होंगी है तो पवन पानी तो धरती इन तिना का भी नुकसान होंगे क्योंकि प्रदूषण बहुत होंगे भावें कीटनाशकों है भावें वह पानी की ज़्यादा वरतों है तो भावें जो असी अग लाने तो उस तो निकलने वाले धुएं नाल है तो लंबी वरायटी होने करके अखीर दे विच इहदा जिहड़ा समां है कणक बीजण का समां है वह भी घट मिलता तो सारिया चीज़ां ध्यान च रखते हुए मेरे अनुसार सरकार का बहुत वधिया यह कदम है जे लंबिया वरायटिया के उत्ते रोक ला दी जाए क्योंकि पानी हवा धरती इन चीज़ों असी नहीं बना सकते तो वीडियो के बने रहने बहुत बहुत शुक्रिया जी सत श्री अकाल।